बात करने वाले हैं एप्पल के न्यूली लॉन्च आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 मिनी के बारे में। आपको पता है कि हर साल एप्पल के फोन नए लॉन्च होते हैं, सब लोगों के अंदर एक्साइटमेंट रहता है कि नया एप्पल आखिर कैसा आने वाला है। दोस्तों इस साल भी एप्पल ने अपने नए आईफोन को लॉन्च कर दिया है, सेप्टेम्बर 14 को शोकेस कर दिया गया था और जल्दी ही ये मार्केट में अवेलेबल भी हो जाएंगे। पर नया क्या है? अगर दोस्तों आप ऑलरेडी एक आईफोन 12 या फिर 12 प्रो ऑन करते हैं तो क्या आपको आईफोन 13 या 13 प्रो में शिफ्ट करना चाहिए? तो यहाँ पे क्या क्या है नया, सब हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो दोस्तों यहाँ पे जो बड़ा बदलाव आया है वो आया है चिपसेट के अंदर। पहले हमें A14 बायोनिक चिप देखने को मिलता था, पर अब यहाँ पे A15 बायोनिक चिप हमें देखने को मिलेगा, जो कि अब तक का सबसे फास्टेस्ट चिप होगा किसी भी सेल फोन के अंदर। यानी कि पर्सनली मैं आईफोन 12 को यूज कर रहा हूँ, उसका जो A14 बायोनिक है ऑलरेडी बहुत ज्यादा फास्ट है, पर यहाँ पे A15 जो है और भी ज्यादा फास्ट होने वाला है। साथ में दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिलेगा iOS 15। तो यहाँ पे दोस्तों जो iOS 15 है और एप्पल का A15 बायोनिक चिप है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिलकर ना एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको इस साल देने वाला है। तो यहाँ चिपसेट में काफी बड़ा बदलाव किया गया है, आपको बहुत ज्यादा फास्टेस्ट स्पीड जो है आईफोन 13 प्रो, 13 मिनी और 13 में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों स्क्रीन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, वो आया है आईफोन 13 प्रो के अंदर। यहाँ पे अब की बार आपको प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जैसा कि आईपैड्स के अंदर देखने को मिलता था, यानी कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट। तो जैसे आप अपने फोन को स्क्रॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली फोन पता कर लेगा कि आपको कितनी ज्यादा रिफ्रेश रेट की जरूरत है। अगर आपको हायर रिफ्रेश रेट चाहिए, जैसे कि आप किसी गेम खेल रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, और अगर आप नॉर्मली फोन यूज कर रहे हैं तो रिफ्रेश रेट है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली अब की बार प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी अप टू 120Hz इन आईफोन 13 प्रो। यानी कि आईफोन 13 और 13 मिनी में ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर 13 प्रो के अंदर आपको प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो यानी कि अब की बार फास्टेस्ट स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी आईफोन 13 प्रो के अंदर। और दोस्तों इसके साथ ही इन सारे के सारे फोनों में जो बैटरी है उनको भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है, तो अब की बार आपको जो बैटरी बैकअप है वो भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो कैमराज हैं उनके अंदर भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है, आपका जो अल्ट्रा वाइड हो गया, वाइड लेंस हो गया, नॉर्मल लेंस हो गया, उनके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं, उनको पहले से काफी ज्यादा बेहतर बनाया गया है। और एप्पल ने दावा किया कि अब की बार जो हमारा आईफोन है वो बहुत ही अच्छी फोटो क्लिक करने में यहाँ पर सक्षम, और अब की बार जो कैमरा की परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो जो लो लाइट फोटोग्राफी है उसके अंदर आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो सैंपल्स दिखाए गए थे वो कमाल के थे दोस्तों। दोस्तों कैमरा के अंदर एक नया मोड भी दिया गया है जिसका नाम रखा गया है सिनेमैटिक मोड। बेसिकली इसके अंदर होता गया है कि आप कोई वीडियो कर शूट कर रहे हैं तो इन डेप्थ जो फील है ना उसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे। मान लीजिए दोस्तों किसी भी वीडियो में 2 या 3 प्रोडक्ट है, तो उनमें से किसी एक को आपको फोकस में करना है और दूसरे को अनफोकस करना है, तो डायरेक्ट वीडियो के अंदर आप वो चीज कर पाएंगे। तो ये सिनेमैटिक मोड है वो काफी कमाल का होने वाला, तो जैसे आईफोन 13 या 13 प्रो हमारे पास आता है वैसे ही चीज मैं आपको जल्दी से दिखाने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है स्टोरेज के अंदर। अगर आप आईफोन 13 प्रो को बाय करने वाले हैं तो वहां पर दोस्तों आपको एक 1 TB का मॉडल भी देखने को मिलेगा, यानी कि 1 TB की स्टोरेज आपको आईफोन 13 प्रो में देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कलर की। आईफोन 13 और 13 मिनी के अंदर आपको पिंक कलर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फाइनली। इसके अलावा दोस्तों 13 प्रो के अंदर आपको यहाँ पे ग्रेफाइट, गोल्ड, सिल्वर और साथ में सियरा ब्लू करके भी एक नया कलर इन्होंने लॉन्च किया है, तो वो आपको यहाँ पर आईफोन 13 प्रो में देखने को मिल जाएगा। तो कलर भी थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है पर थोड़े बहुत चेंजेस हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आईफोन 13, 13 मिनी और 13 प्रो को सेप्टेम्बर 17 से आप ऑर्डर कर सकते हैं और सेप्टेम्बर 24 तक ये फोन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों एप्पल ने एप्पल वॉच 7 के अलावा आईपैड मिनी को भी यहाँ पे फीचर किया था, तो उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। यहाँ पे ये फाइनली ये सारी चीजें हैं आईफोन 13 के अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं, पर बहुत बड़ा कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। डिजाइन लैंग्वेज में ज्यादा चेंज नहीं किया गया है, सिमिलर से ही फोन यहाँ पे दिखते हैं। नोच को की बार थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, इसके अलावा दोस्तों ज्यादा डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा ब्राइटनेस निट्स को बढ़ाया गया है। ऑल ओवर अगर आप ऑलरेडी आईफोन 12 प्रो यहाँ पे ऑन करते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको जरूरत है आईफोन 13 या फिर 13 प्रो तक जाने की, आपको वेट करना चाहिए आईफोन 14 या फिर 14 प्रो के आने का। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो जो है आपको यहाँ पर हेल्पफुल लगी होगी।